अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगी, ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगी। और रब से दुआ है हम सब से राजी हो जाएं, अपनी रजा के काम हम सब से ले लें, हम सब की नियतें अपने लिए खालिस कर लें, आखरत का ईमान हमारे दिलों में डालें और अपना कुर्ब नसीब फरमाएं। आमीन या रब। एक आंख नजर आ जाए तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी दिनों के बाद क्लास स्टार्ट हो रही है तो हो सकता है कि किसी ने मैसेज देखा ना हो, लेकिन इंशाल्लाह अब उसी टाइमिंग्स पर उन्हीं डेज में हुआ करेगा जिन डेज में हम करते थे इंशाल्लाह। तो बाकायदा इंशाल्लाह हम आगाज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक आंख नजर आ गई है तो हम अपने सेशन का आगाज करते हैं। ठीक है, आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खूब जिक्र अस्कार कर रहे होंगे, और क्योंकि हज का ये जो महीना है और स्टार्टिंग के जो 10 डेज हैं ये तो बहुत रहमतों वाले हैं, तो इसमें खूब इबादत कीजिएगा, खूब जिक्र कीजिएगा, खूब तकदीरात पढ़िएगा। इंशाल्लाह अल्लाह हमसे कबूल फरमाए हमारी तमाम दुआएं भी और हमारी इबादत भी। ठीक है, अच्छा, जो मेरी सिस्टर्स अभी अटेंड करेंगी, जो बाद में अटेंड करेंगी, आप सब के लिए यही दुआ है कि आप लोगों के इस अटेंड करने को या पार्टिसिपेट करने को मेरा रब कबूल फरमाए, आप सब के लिए बख्शिश का सामान बनाए और कयामत वाले दिन इसके अजर से महरूम ना फरमाए। आमीन। मेरा हमारे साथ हैं अव्वलून साबिकून में से हो गई, अल्लाह इनसे कबूल फरमाए। शुरू करती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما آمين يا رب। आप सब लोगों ने क्या करना है कि डी डन के लिए लिखेंगे और के ओके के लिए लिखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और आपको पता है कि एक हर्फ पे एक अजर और 10 नेकियां हैं, और कयामत वाले दिन इंसान छोटी छोटी नेकियों को तरसेगा। और जब आप ये लिखेंगे तो रब से दुआ है मेरी कि ओहद के पहाड़ से ज्यादा बड़ा अजर अल्लाह ताला इसको आप सबके लिए बनाए। आमीन। हम सबके लिए, जैसे कि मैंने दुआ की है, सबके लिए करती हूँ, अपने लिए भी करती हूँ कि हमारे लिए बख्शिश का सामान बनाए और इसके अजर से कयामत वाले दिन महरूम ना फरमाए। आमीन। ठीक है, तो चले जी, ये नजर आ रहा है पूरा पेज आप लोगों को, क्योंकि थोड़ी सी सेटिंग खराब है। आप सबको पता है मैं पाकिस्तान गई थी और इस वजह से आप लोगों को मैंने थोड़ी छुट्टी दी थी ताकि मैं वहाँ सबसे मिल सकूँ, अपनी वालदा से, अपने रिश्तेदारों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए, अब मैं वापस आई हूँ तो थोड़ी थकन है लेकिन इंशाल्लाह दूर हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह हम प्रॉपर अपना सेशन करेंगे इंशाल्लाह। अब ये सेशन यानी जारी रहेगा। ठीक है, बस आप ये जहन में रखिएगा। अच्छा, नए जो हैं वो आपने क्या करना है, नए स्टूडेंट्स जो हैं तो वो यूट्यूब चैनल भी है मेरा, वहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी देख सकते हैं। मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा पेज को यूं रखना चाहिए, अब आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अद्दर्सुल अव्वल अल्हुरूफुल हिजाइयतुल मुफ्रदा। मुफ्रदात हम पढ़ें, ठीक है, इनके नाम पढ़ें और इल्मुल तजवीद का मौजू है। तो शुरू करते हैं। अलिफ الف با با تا تا سا سا جيم جيم ح ح خ خ دال دال ذال ذال رو। और रो के कैसे प्रैक्टिस करेंगे? अर रो
ar ro sin. जो लास्ट है ना लेटर जो हिज्जों में है उसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है. शीन शीन सौद सौद बौद बौद तो तो वो वो आईन आईन. इसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे? यानी 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 नाबुदू बादू बादू बादू, ठीक है. आईन गईन गईन फा, ठीक है. गईन का जो नून है उसको इग्नोर नहीं करना. गईन फा फा कौफ कौफ. अच्छा इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे? जबान की जड़ नरम तालू से लगेगी, ठीक है. मोटे लेटर्स आपको पता है ना, हमारे पास ख है और कॉफ है, गईन है, ठीक है. ख गईन कॉफ ये इस्तियाला वाले हैं जिसमें जबान की जड़ ऊपर नरम तालू से लगती है. इतबाक वाले क्या हैं? सौद बौद तो व, जिसमें जबान तालू से लिपटती है. बस ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है. कॉफ कैफ कैफ लैम लैम मीम मीम. अच्छा इसमें लाम का आप देखें लास्ट में मीम है और मीम के लास्ट में मीम है. इसको इग्नोर नहीं करेंगे. जैसे मैंने बोला है कि सारे लेटर्स अपने मखरज से अदा होंगे, ठीक है, जब हम हिज्जे करते हैं. अच्छा इसको कैसे हमने इग्नोर नहीं करना कि मीम का तवस्सुत शो करने में. अम अम दोनों होंठों के खुश्क हिस्से आपस में जोड़ेंगे. अम अम लैम मीम, ठीक है. इसको याद रखना है. नून अन अन अन. लास्ट लेटर को प्रैक्टिस करने का तरीका बता रही हूं, ठीक है, ताकि आपके मीम के खुश्क हिस्से होंठों के आपस में मिलेंगे, ठीक है, पूरे मिलेंगे, ताकि मीम का तवस्सुत, ठीक है, वो शो इजहार हो मीम का. नून नून वाव. बहुत बारीक और सॉफ्ट है क्योंकि लीन लेटर है, ठीक है. जब ये सुकून के साथ होते हैं इससे पहले फतह आती है तो वाव लीन कहलाता है, ठीक है. वाव दोनों होंठों की गोलाई से मुकम्मल गोल करेंगे. वाव है ये अक्सुल हल्क से अदा होगा. है बारीक है. है हमजा इसकी अपनी आवाज क्या है? अ अ अ आनी, ठीक है. अलजौफ से अदा नहीं होता, अखसुल हल्क से अदा होता है, ठीक. अ अ हमजा एच एम जेड एच जो आखिर में आवाज आपको सुनाई देती है वो हा सुकून की होती है, तो दोनों प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है. इसका नाम क्या है? हमजा हमजा, ठीक है. अ इसकी साउंड है. या या. अच्छा अब माशाल्लाह इतने सारे हमने रिवीजन अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए और अभी मैंने छुट्टियों में आप लोगों से कहा था कि आप लोग खूब इसकी रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, और डेली पढ़िएगा और उम्मीद करती हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है. अब हम आते हैं उस लेसन के ऊपर जो हम दोहराई कर रहे थे, ठीक है. वो हमारा लेसन है तदरीबातुन अला सुकून, ठीक है. 11th लेसन है हमारा अद्दर्सुल हादी अशर, ठीक है. अद्दर्सुल हादी अशर, ठीक है, और तदरीबातुन अला सुकून, ठीक है. तो ये हमने प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? थोड़े हम स्पेलिंग्स पढ़ेंगे, जहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगी कि स्पेलिंग करना है वहां मैं स्पेलिंग्स करूंगी, ठीक है. हमजा फतह नून सुकून अन, ठीक है. तय फतह तय, क्योंकि जब मैंने हमजा फतह नून सुकून मैंने पढ़ा तो मैंने उसमें जो रूल बन रहा है
तो वो लेटर जिसकी वजह से रूल बन रहा है वो मैंने लाम नहीं लिया था, तो इसलिए मैं नून का इजहार करूंगी पहले, ठीक है। हमजा फतह, नून सुकून, अन ता फतह ता ता, ठीक है। अब ता की वजह से क्योंकि इख्फा हो रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया है कि नून की आवाज को हमने छुपाया है, किसकी वजह से, ता की वजह से, और बारीकी से अन ता, हमजा फतह नून सुकून अन ता फतह ता ता। और अगर यहाँ पे हमारे पास नून सुकून के बाद थ्रोट लेटर में से कोई लेटर होता तो नून का इजहार होता, एक काउंट के लिए इसके मखरज पे जाते, ठीक है, और थ्रोट लेटर्स की वजह से। और हमारे पास जो है अगर यरमलून के कोई लेटर्स में से कोई लेटर होता तो वहां पे नून उसमें मर्ज हो जाता, ठीक है, और मर्जिंग भी कई किस्म की है। और हमारे पास अगर बा होता तो इखलाब का कायदा होता, ठीक है। अच्छा, बाकी जो लेटर्स बचे हैं फिर उनमें इख्फा होगा, ठीक है ना, यानी नून को छुपाया जाएगा, 15 लेटर्स हैं तो नून को छुपाएंगे। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, हमजा थ्रोट से निकलेगा यानी फार थ्रोट से, ठीक है, जहां उसका मखरज है, अंता, और कामला ग्रेड का ये हमारे पास गुन्ना होगा। हमजा कसरा है सुकून इह, दाल कसरा दी इह दी ई एच दी, एहदी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मजहूल हो जाएगा, और ई की साउंड आप जो हमजा के लिए कसरा के साथ है ना, ई बी सी की साउंड आनी चाहिए अंग्रेजी लेटर के, ठीक है। ये क्या था, हमजा फतह, और यहाँ पे आप देखें कि हमजा के ऊपर फतह का वो है, ठीक है, फतह है, तो एक काउंट के लिए जबड़ा खोलेगा, फिर हम नून को छुपाएंगे फिर, ठीक है, ठीक है, मुंह को बंद नहीं करना आप लोगों ने, याद रखियेगा, ये सब मैं आपको सिखा चुकी हूँ। एहदी एहदी, अगर आपने हा को जल्दी छोड़ दिया तो फिर इसमें कलकला हो जाएगा, जबकि ये कलकला लेटर नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा हमजा कसरा हा सुकून इह इह, तो ये कलकला है, विच इज रॉन्ग, ये हमने नहीं करना, हमने एक काउंट के लिए हा के ऊपर जाने, हमजा कसरा हा सुकून इह इह, इसमें रखावा है, इसमें हम्स है, तो हमने जाहिर करना है, जो सिफात लाजम है उसे इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। इह दाल कसरा दी इह दी इह दी इह दी, आपने इसे 50 टाइम्स पढ़ें, इसको 100 टाइम्स पढ़ें, ये आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपसे ये गलत नहीं होगा। और दाल कसरा दे नहीं पढ़ेंगे, दाल कसरा दी है, इह दी अंता इह दी, बा कसरा आई सुकून बा, आई में तवस्सुत है, वो शो करें, बा दाल दम्मा दू बा दू बा दू बा बा करके कलकला नहीं करेंगे, ठीक है, बा दू बादू, तवस्सुत शो करेंगे, ठीक है, यानी दरमियानापन शो करें। लिन उमर जो लेटर है इसमें तवस्सुत है, सिफात लाजमा, ठीक है, लाम नून आयन मीम रो, तो आयन जो है उन लेटर्स में से है, तो दरमियानी आवाज चलेगी, पार्शियल फ्लो आवाज का, बादू बादू, बा फतह तो सुकून बाथो बाथो, और तो मोटा लेटर है इतबाक वाला, इसमें कलकला भी है, कलकला का लेटर, तो मोटा जो है कलकला करें, बाथो बाथो, बातवाशा शीन फतहशा बातवाशा बातवाशा बातवाशा, बा बारी के बा को मोटा नहीं करेंगे, शीन को मोटा नहीं करेंगे, मोटा जो लेटर है वो मोटा पड़ा जाएगा, ठीक है, मोटा कलकला करेंगे, बातवाशा बातवाशा, शीन फतह आयन सुकून सा या फतह या सा या सा या सा या सा या, ठीक है। जो फतह होती है उसके लिए जबड़ा एक काउंट के लिए खुलता है, कसरा के लिए एक काउंट के लिए आवाज नीचे जाएगी, और दम्मा के लिए गोल होगी, हमेशा से मैं बताती हूँ, बस आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अंता अंता इहदी बादू बादू, कंप्लीट रोल करेंगे लिप्स को, ठीक है, बातवाशा साया साया। अब यहां भी ये वाला रूल है, ठीक है, क्योंकि ता आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो जिस चीज का हमने ध्यान रखना है कि नून सुकून के बाद जो हमारे पास जो लेटर पे हरकत है उसका हमने ध्यान रखना है, और नून सुकून के बाद जो हरकत उसका ध्यान हमने रखना है। इसको अगर हमने दम्मा को यहाँ लंबा कर लिया तो वो फिर मद बन जाएगा, कू तो ये गलत हो जाएगा, कू कैफ दम्मा कू नहीं होता, कैफ दम्मा कू होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, कैफ दम्मा नून सुकून कुन कू कुन कुन, लिप्स को रोल करें, नून सुकून पे अनरोल करें, ता दम्मा तू कुन तू कुन तू कुन तू, एक मिनट जरूर रुकिएगा। सॉरी, आपको आवाज आ रही होगी पीछे बैकग्राउंड में,
हाँ जी ठीक है, तो आपने यहां रोल करने हैं लिप्स, यहां अनरोल होंगे, यहां रोल होंगे, ठीक है। कैफ दमन नून सुकून कुन, तो जब आपने सिर्फ नून तक पढ़ना है तो फिर नून को आपने इजहार करना है कुन, ठीक है। जब ता पे हम आ जाएंगे क्योंकि वो रीजन बन रहा है नून को छुपाने का, तो फिर यहां रूल अप्लाई होगा, ठीक है। कैफ दमन नून सुकून कुन, तै दम तू कुन्तू कुन्तू, टू काउंट्स का काम लग्रेट का हमने बोलना किया, ठीक है। कुन्तू कुन्तू, ठीक है, कुन्तू करके नहीं पढ़ेंगे, मद नहीं बनाएंगे, यानी दम्मा को खींचेंगे नहीं, ये याद रखना है अपने। लैम फतह सीन सुकून लस, तै फतह तै लस तै लस लस, इसमें क्या है हमारे पास, रखावा भी है, हम्स भी है सीन में, ठीक है, बारीक भी है, तीनों बारीक लेटर्स हैं, ये भी तीनों बारीक थे, ठीक है। लस ता लस ता, ता फतह था लस ता लस ता, और लंबा भी नहीं करेंगे लस ता, ठीक है, ये भी नहीं करना हमने, वन काउंट के लिए बस मखरज पे जाएंगे, लस ता लस ता, ठीक है। क़ाफ दमा रॉ सुकून कुर, ठीक है, रॉ मोटी होगी बिकॉज रॉ सुकून से पहले हमारे पास दमा आ रहा है, ठीक है। रॉ के रूल्स मैंने आप लोगों को माशाल्लाह दिखाए हुए, तो सिखाए हुए, ठीक है, और दिखाए हुए भी एक्चुअली, पेपर पूरा आप लोगों के सामने मैंने रखा था मिसालों के साथ, वो आप लोगों के पास होगा कि रॉ कब मोटी कब बारीक पड़ी जाएगी, ठीक है, सब मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रॉ को मुफ़ख़्ख़म पढ़ेंगे, क़ाफ दम्मा रॉ सुकून कुर, हमज़ा फतह अलिफ सुकून अ कुर अ, ठीक है, कुर आ नहीं पढ़ेंगे, कुर के में रॉ मोटी नहीं हो रही, रॉ को मोटा करने के लिए पीछे हमने जड़ उठानी है, काफ के लिए उठी हुई है, तो आपने खाली रॉ के लिए मखरज पे जाना, कुर ए, यानी जड़ उठाए हुए आपने रॉ पे जाना, कुर ए नून दमतैन नून कुर ए नून कुर ए नून कुर ए नून, ये मद बदल है, ठीक है, क्योंकि मद लेटर हमजा की आवाज को स्ट्रेच कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बैफ, यहाँ रॉ सुकून से पहले फतह आ रही है, तो रॉ मोटी पड़ जाएगी, बर बै बारीक है, बा को मोटा नहीं करेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, बै फतह रॉ सुकून बर बर, दैल फतह तेन दन बर दन बर बर, तकरीर वाजे करनी है, बर गम रिच पे जाना है आपने, ठीक है, बर दन बर दन बर दन। अच्छा, फिर यहाँ आप देखें, रॉ सुकून से पहले हमारे पास कसरा आ रही है, तो रॉ बारीक पड़ी जाएगी, क्योंकि ये ओरिजिनल कसरा है, ठीक है, इस लफ्ज का हिस्सा है, अगर ये खत्म हो गया, ये कसरा अगर हमने ऐसे बारीक नहीं पड़ा तो माने चेंज हो जाएंगे, तो हमने क्या करना है, मीम कसरा है, रॉ सुकून नीर नीर, ठीक है, कुछ और बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, या फतह या नीर या, क्योंकि रब का कलाम है, पढ़ना हमने वैसे ही है जैसे मेरे रब ने भेजा, और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हफ्स बिन आसिम के थ्रू हम तक पहुंचे, हमने उसी तरह पढ़ने खुद से हमने, कि अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं तो फिर हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। मीम कसरा रॉ सुकून नीर नीर नीर, ठीक है, रॉ को टच करेंगे, नीर या फतह या नीर या, ओरिजिनल कसरा रॉ सुकून से पहले तो बारीक पड़ी जाएगी रॉ, मीर या, और उसमें तकरीर थोड़ी कम वाजे होती है, ठीक है। मीम कसरा रॉ सुकून मीर या फतह या मीर या, तै कसरा तीन तीन मीर या तीन मीर या तीन मीर या तीन, ठीक, अर्री अर्री, ये प्रैक्टिस करें आप, ठीक है, रॉ बारीक पढ़ने के लिए, अर्री अर्री, और री करके नहीं पढ़ेंगे, रॉन्ग हो जाएगा, अर्री मीर या तीन मीर 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 या तीन। अच्छा, अब यहां पे हम आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ देखिए हमजतुल वसल, ठीक है, और यहाँ उसके नीचे कसरा डाली हुई है, ठीक है, और रॉ सुकून है, हमजतुल वसल को मिलाकर तीसरा हमने लेटर देखना है, अगर उस पर फतह है या कसरा है तो हमजतुल वसल के नीचे कसरा आएगी, अब ये आरजी कसरा है, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि रॉ इसमें हमने मोटी पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, कैसे पढ़ेंगे, जिया कसरा आय सुकून जिया एरोजिया, ये प्रैक्टिस से आएगा आप लोगों को, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो बहुत अच्छे तरीके से आइन भी अदा होगी और रॉ भी अदा होगी, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, सारे रूल्स आपको सब याद है माशाल्लाह, बस आपने पेपर निकाल के और उसको, या ये वाली वीडियो जो हो चुकी है निकाल के, जब हम एक एक लाइन पढ़ते थे या दो दो वर्ड या तीन तीन वर्ड पढ़ते थे, तो सब एक्सप्लेन किए, ठीक है, एरोजिया, ठीक है।
अच्छा फिर यहाँ हमारे पास देखें, यहाँ तो हमजतुल वसल थी, उसके नीचे आरजी जेर थी, ये है हमारे पास वो है हमजा, है हमजा कता, ये ओरिजिनल कसरा है। तो अब यहाँ पे बारीक रॉ पड़ी जाएगी, हमजा कसरा रॉ सिकुन इर ब कसरा ब इर ब इर ब ता कसरा ती इर बैती इर बैती इर बैती। ठीक, अच्छा यहाँ पे हमारे पास मीम कसरा सा सिकुन मियस रॉ फता रॉ मियस रॉ। अच्छा यहाँ पर इसमें कुछ रूल हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने अभी नहीं बताया आपको, वो जब कुरान पाक हम पढ़ रहे ना उसमें आएगा, उसमें मैं बताऊंगी कि यहाँ जिस तरह हमें नजर आ रहा है ना रवानी में उस तरह पढ़ा जाएगा। रॉ इसमें फतह के साथ है तो इसे मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है जो मैं आपको बखल में बता भी चुकी हूँ आप लोगों को, वो आप पेज में लिखा हुआ होगा। ठीक है, मियस रो मियस मीम कसरा स्वाद सुकून। अब स्वाद कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, सौ 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 मखरज पे जाके। ठीक है, इतबाक है लेकिन लिप्स को रोल नहीं करना आपने। ठीक है, सौ सई सु सौ सई सु सौ सई सु, तीनों फॉर्म आपने कसरा फतह और दम्मा के साथ प्रैक्टिस कर लेनी है। मीम कसरा स्वाद सुकून मियस रो फतह रो मियस रो मियस रो। ठीक है, उसे स्ट्रेच नहीं करेंगे, जस्ट रो फतह रो पढ़ेंगे। ठीक है, قاف كسرة قاد قاف سكون قيطو قيطو را كسرتين رين قيطو رين اب را کیوں کہ کسرتین ہیں ٹھیک ہے ہم نے آگے پیچھے نہیں دیکھنا ہم نے کسرتین دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ را باریک پڑے گی قیطو رین قیطو قی نارمل نیچرل طریقے سے قاف کسرہ قی ہے ٹھیک ہے لیکن تو جو ہے اس میں اتفاق ہے موٹا ہے قاف کسرہ تو سکون قیطو را کسرتین رین قیطورین قیطو 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 قیطورین رین آرائین رین اچھا قیرطاسین ٹھیک ہے را سکون سے پہلے اوریجنل کسرہ ہے لیکن اس کے فوراً بعد تو موٹا لیٹر آ رہا ہے اور ایک ورڈ میں اس پر فتح ہے تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے را کہ یہ میرے بعد والے لیٹر موٹا ہے تو میں نے بھی موٹا ہونے تو اس لئے ہم نے ایسے جو قرآن پاک میں جو یہ الفاظ ہے تو ہم نے ان کو موٹا ہی پڑھنے پوری ایکسپلینیشن دے چکی میں آپ لوگوں کو ٹھیک قاف کسرا را سکون قیر 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 طاسین قیر طاسین قیر 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 طاسین ٹھیک ہے را موٹی پڑی جائے اب یہ بھی سیم ہے یہی رول اپلائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے شکل دیکھ لیں آپ کہ را سکون سے پہلے اوریجنل کسرا آ رہی ہے پھر صاد اور ایک ورڈ میں یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے میر 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 صادن کچھ دن آپ کو لگے گا کہ یہ موٹا نہیں ہو رہا کیسے موٹا کریں تو رو جیسے میں نے کہا رو 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 آپ کو پریکٹس بھی کر آئی ہے بھی مفردات میں نے تو اس طرح بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اور پھر می رو می رو می رو می رو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میم کو الگ سے اور رو کو الگ سے پریکٹس کریں اور جب جوڑیں میر میر تقریر بازی ہوگی میر سو دن میر سو دن اچھا سیم رول اپلائی ہو رہے ٹھیک ہے فیر قاتین فرقاتین فرقاتین منیر منیر یہاں بھی را موٹی پڑی جائے گی ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا را سکون سے پہلے یاد رکھے کہ حمزت الوصل ہے اس سے پہلے ہمارے پاس کسرہ ہے تو تب بھی را موٹی پڑی جائے گی ٹھیک ہے یہ رول جو میں نے سمجھائے سیم رول ہے ٹھیک ہے منیر تیدو منیر 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 تیدو منیر تیدو منیر تیدو ارحم یہ والا رول ارحم 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 اس کی کمپلیٹ سب کی ایکسپلینیشن دی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے ارحم حم ارحم سیم رول ارتبتم ٹھیک ہے باریک با ہے تو باریک قلقل ہوگا ٹھیک ہے تب 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 گیلے حصے ملیں گے آپس میں جدا ہوں گے تم نہیں بولیں گے تو ہے تا دمہ تو ہے تم بولیں گے تم ٹھیک ہے ارتب تم ارتب تب تم ارتب تم جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ ورڈ توڑ لیا کریں اور پھر اسے پریکٹس کیا کریں ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پہ را باریک پڑی جائے گی کیونکہ اوریجنل کسرا آ رہی ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں نون سکون کے بعد زال آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کون سے لیٹرز میں سے اخفا میں تو اسے کیسے پڑھیں گے حمزہ فتح نون سکون ان زال کسرا را سکون زیر ان زیر ان زیر را باریک ٹھیک ہے اور اخفا کے ساتھ نون
ذال کی وجہ سے خواہ رہے چھپا رہے ہیں نون کو. انذیر انذیر, ٹھیک ہے, حرف خواہ کے قریب جانا ہوتا ہے رائٹ اوے, ٹھیک ہے, نون کو چھپاتے ہوئے, لیکن ٹچ نہیں کریں گے. جب کاملا گریڈ کا گنہ ہو جائے گا پھر ہم نے ذال فملی ادا کرنی ہے, اور کیونکہ اس سے آگے را سکون ہے اور یہ ذال کے نیچے اوریجنل کسر ہے تو را باریک ہوگی. ٹھیک, انذیر خیرن, را موٹی پڑھیں گے, وقت کی صورت میں چینج ہو جائے گا, آپ لوگوں کو پتا ہے, بتایا ہوا میں نے. خیرن خوف ہے یا سکون, خی خی را دمتیں رن خیرن. اچھا اسے رن نہیں پڑھیں گے, رن باریکی میں آ جاتا ہے زبان کی, جو اٹھا کے پڑھنے خیرن رن خیرن یا لین ہے, ٹھیک ہے, یا سکون سے پہلے فتح لی. فاس 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 بیر را باریک کیونکہ اوریجنل کسرہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, فاس بیر با کو موٹا نہیں کریں گے. صبرن 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 یسیرن, وقت کی صورت میں بدل جائے گا, را باریک ہو جائے گی, جیسے یہاں را باریک ہوگی, ٹھیک, کیونکہ یہ لین ہے اور یہاں پہ یا مدہ ہے, دونوں صورتوں میں وقت کی صورت میں را باریک ہو جاتی ہے. یسیرن, لیکن کیونکہ ہم روانی میں پڑھ رہے ہیں را موٹی پڑی جائے گی. یسیرن یسیرن رون رو 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 کی آواز, رو کی آواز نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. خیرن یسیرن غلبن, غین موٹا ہے, غین لام باریک ہے. غلبن غلبن خاص, اچھا غین دمہ غو ہے, غو نہیں ہے, موٹا پڑھیں گے, ٹھیک ہے, زبان کی جڑ اٹھائیں گے. غلبن غلبن فصلن فص 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 بولیں گے تو باریک ہو جائے گا, زبان کی جڑ اٹھائیں, اطباق ہے اس میں, تو اس سے ساری خوبیاں, یعنی اس میں رخاوہ بھی ہے, اطباق بھی ہے, اور اس کے علاوہ اس میں ہمس بھی واضح کریں گے, ٹھیک ہے. فصلن فصلن قدحن قد 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 نہیں بولیں, قد اردو کا ورڈ ہے, ٹھیک ہے, قد تو وہ نہیں بولنا ہم نے, ق ہے, دا 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 ہے. قدحن قدحن قدحن, اچھا اب دود جو ہے یہ موٹا لیٹر ہے, ٹھیک ہے, زاد نہیں ہے, یاد رکھیے گا. ق ق دو ق دو ق دو, قاف موٹا ہے لیکن دود اس سے بھی زیادہ موٹا ہے کیونکہ زبان میں ڈپ بنتی ہے, اطباق ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. قاف فتح بہت سکون, قد قد اس میں استطالت ہے, آواز چلے گی. قبن قبن, لیکن آواز رکے گی نہیں, شدت پیدا نہیں کریں گے, اور اس میں ہم نے قلقلہ بھی قد قد کر کے نہیں کرنا کیونکہ دود ہے, موٹا ہے, آواز جاری رہنی چاہیے. قبن 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 قب قد 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 نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اسے موٹا کریں, موٹا کرتے جائیں, پریکٹس کریں گے نا تو یہ خود ہی موٹا ہوتا جائے گا, آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ یہ ابھی موٹا نہیں ہے, اسے مزید موٹا کرنا ہے, کیونکہ جو صاد ہے دود ہے توزہ مزید موٹے لیٹر ہیں تو انہیں مزید موٹا کرنا ہے, ٹھیک ہے. موٹے لیٹرز کون سے, خا ہے, غین ہے اور قاف ہے, ٹھیک ہے, یہ موٹے لیٹر ہیں, اور مزید لیٹر موٹے جو ہیں وہ چار لیٹر ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے نام لیا, ٹھیک ہے. قبن 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 قبن, ٹھیک ہے, آپ نے دعات کے بعد آواز روکنی نہیں, شدہ نہیں پیدا کرنا, قلقلہ نہیں پیدا کرنا. کسن کسن, اس میں شدہ ہے حمزہ میں, ٹھیک ہے, حمزہ کے اوپر سکون ہے نا, حمزہ میں شدہ بھی ہے اور دوسرا اس پہ سکون ہے, تو اس کو جھٹکے سے جب پڑھتے ہیں تو آواز کٹ ہو جاتی ہے. کسن کسن کسن, فار تھوڑ سے ادا ہوتا ہے نا یہ. کدحن کد کد کد, کیف باریک ہے. کدحن دال باریک ہے, ہے باریک ہے. کدحن لغ لغ, لام فتح قین سکون, لغ رخاوہ بھی ہے, استعلاء بھی ہے, تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے, لغون, آواز جاری رہے گی, ٹھیک ہے, رخاوہ آواز جاری رہے گی. لغون لغون ون لغون. مسکن مسکن مسکن. نخلن نخلن نخلن. نشتون نشتون نشتون, تو موٹا یاد رکھیے. نفسن نف نف نفسن, ایسا ین سن,
नफसिन स्पेलिंग इंग्लिश में क्योंकि जल्दी सीख जाते हैं इसलिए मैं इंग्लिश के भी साथ साथ बताती जाती हूँ ताकि आपको बारीकी का भी अंदाजा हो। ठीक है, नफसिन नहीं बोलेंगे, सी की साउंड आनी चाहिए। ठीक है, नफसिन नफसिन फामिन। हमारे पास क्या है, हमारे पास इजलाक भी है, ठीक है, रखावा भी है, नफ नफ हम्स भी है, नफसिन नफसिन, नको नको, नकअन نقعًا 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 يسرًا يسرًا। आपने या के ऊपर तो होंठों को गोल रखना है, सीन पे नहीं रखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि सीन में क्या है, सुकून का साइन, वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। एक एक काउंट के लिए हमने हर लेटर पे जाना होता है। ठीक है, يسرًا يسرًا, गमरेज पे जाएंगे रन के लिए, يسرًا أبقى أب अब अब को, हमजा फाथोर से, बा होंठों के गीले हिस्से से, कौफ जब जमान की जड़ नरम तालू से लगेगी। ठीक है, अब को, और यहाँ आप अलिफ मकसूरा देख रहे हैं, उस पर अलिफ सगीरा उसको स्ट्रेच कर रही, हमजा फतेह ब सुकून अब, कौफ फतेह अलिफ सगीरा को अब को, टू कॉम्स के लिए आवाज ऊपर जाएगी, अलिफ मद्दा बन रहा है ना, अब को अब को, आइन फतेह द सुकून अद عد نون كسرتين عدنين 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 عدنين। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और पीछे भी वीडियो है, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, रिटर्न फॉर्म में भी मेरे इस जो ग्रुप है जिसमें इस वक्त आप मुझे लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ पे तमाम लेसन्स के लिंक्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ रिटर्न फॉर्म में बहुत सारे नोट्स हैं जो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं अल्लाह ताला से जुड़ने के लिए। जब आप सीखेंगे तो खुद ब खुद अपने रब से जुड़ जाएंगे ना। कुरान के पांच हकूक हैं, पांच हकूक जो हम यहाँ पे हमेशा आपसे मैं बताती रहती हूँ कि पांच हकूक हैं। सबसे पहला हक तो यह है कि इस पर ईमान लाना, दूसरा हक यह है कि इसको सही तरीके से तजवीद के साथ पढ़ना कुरान पाक को। ठीक है, कुरान पाक पर ईमान लाना कि ये अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ से, फिर इसे सही तरीके से तजवीद के रूल के मुताबिक पढ़ना। ठीक है, और फिर इसके बाद जनाब इसको समझना, फिर इस पर अमल करना, फिर दूसरों तक पहुंचाना। ये हकूक याद रखिएगा, और क्योंकि पढ़ना ही सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट है, सही पढ़ेंगे सही माने, क्योंकि अल्लाह सुबहान व तआला हमसे मुखातिब हो रहे हैं। तो अगर हमने अल्लाह का जो कलाम है जो हमसे मुखातिब हो रहा है उसे हमने गलत पढ़ा, लहन जली हमने की, तो माने बदल जाएंगे। तो इसी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये फी सबीलिल्लाह फ्री क्लासेस होती हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आप लोग सीखें और आगे पहुँचाएं, लोगों को भी अपने रब से जोड़ें, यहाँ बुलाएं और खुद भी रब से जोड़ें। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए सदका जारिया बनेगा, हमारे असातिज़ा के लिए, हमारे वालदैन के लिए, हमारे घर वालों के लिए। तो हमने क्या करना है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना है। ठीक है, अल्लाह की किताब के जरिए सीख कर, और इस वक्त जो एक हरफे एक जो 10 नेकियां हैं वो तो हमें मिलेंगी, लेकिन जो फरिश्ते जमीन से आसमान तक भरे हुए हैं और मेरे रब के पास जाएंगे, और जब आपको मेरा जिक्र मेरा रब फरिश्तों के सामने फरमाएंगे एक एक का नाम लेके कि वो क्या कर रही थी, तो ये कितनी खूबसूरत बात है। इतना खूबसूरत महीना, उसके इब्तदाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन जिसमें हम ये बैठ के रब का कलाम आपके सामने हमने रखा हुआ है ताकि आप लोग सीखें, इसमें हिस्सा लें, दूसरों तक पहुँचाएं। तो इससे कोई खूबसूरत बात और हो सकती है कि मेरा रब जो है वो हमारा जिक्र अपने हाँ फरिश्तों के पास कर रहे हैं हमारा नाम लेकर। तो हम कितने खुशनसीब लोगों में से, तो दुआ करें रब से कि ये सिलसिला जारी रहे इंशाअल्लाह, और आप इसी तरह सलामत रहें और अटेंड करते रहें। अल्लाह इसे हमारी खैर बरकतों का बायस बनाए, हमारे घर वालों के लिए। आमीन। खूब दुआएं करें इस महीने में, सब के लिए करें, हर एक के लिए करें, ताकि हमारे हक में भी वो दुआएं कबूल हों। आमीन। तो जो जहाँ जहाँ बीमार है मेरा रब सबको शिफाए कामला आइला नाफियता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन। और जो बेऔलाद जोड़े हैं मेरा रब उनको सेहतमंद औलाद से नवाजे, और ऐसी नेक औलाद के वो जो माँ बाप के लिए बेहतरीन सदका जारिया बने। आमीन। और जिनके पास औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक बना के वालदेन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए, सुख का सामान बनाए। जो बच्चे बच्चियाँ शादी के काबिल हो गए हैं मेरा रब उनको खूबसूरत मोहब्बत भरी जोड़ियाँ उनकी बनाए, कदरदान जिंदगी के साथी, कदरदान ससुराल वाले अता फरमाए। आमीन। नमाज रोज़े के पाबंद साथी अता फरमाए। आमीन।
और अल्लाह ताला ये सब दुआ हमसे कबूल फरमाए और हमारे इस काम को बेहतरीन सबका जारी बनाए। जो रोजी के दरवाजे, जो महंगाई हो गई है, रोजी के दरवाजे लोगों पे बंद हो गए हैं, मेरा रब ऐसी जगह से दस्त गैब से खैर बरकतों वाली रिस्क के दरवाजे, तय पाकिजा रिस्क के दरवाजे हर एक के लिए खोल दे, आमीन। अल्लाह ताला हमको सबको, बहुत ज्यादा जो है अजीब किस्म का माहौल हो गया, मैं भी देख कर आई हूँ, अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला अगर हम दीन इस्लाम पे चलेंगे मुकम्मल तालीमात हासिल करके, और हमारे रब का जो फरमान है, रब के नाफरमानी के कामों से बचेंगे, अल्लाह के फरमान पे चलेंगे, तो खुद ब खुद अल्लाह ताला हम पे नेक हुक्मरान जो है वो मुसल्लत करेंगे, बजाय यानी नेक हुक्मरान हुकूमत में आएंगे तो हमें खैर नसीब होगी। और ये जो ऐसे हुक्मरान जो है जो शर का बायस बने हुए, अल्लाह ताला खुद ब खुद इन्हें तख्त से उतार देंगे। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करें, दुआएं करें कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाएं और नेक लोग जो हैं वो हुकूमत करें, आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين